गुलाब का जो प्राइस है वो 1500 रुपये $20 का है। 150 रुपये का एक टमाटर है, लगभग 250 रुपये का एक अनार होता है, 150 रुपये का आधा किलो प्याज, 300 रुपये किलो, 70 रुपये की एक ककड़ी, यानी कि मटर जो ये ऑर्गेनिक मटर का प्राइस यहाँ पे 1200 रुपये किलो, 300 रुपये के 8 नींबू। और सब कैसा है? आई रेडियो के सब बढ़िया हो, मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। शाम का टाइम है, ऑफिस का काम मैंने फिनिश किया और ग्रोसरी का कुछ सामान था जो घर पे मिसिंग था, फल फूल सब्जी भाजी, तो सोचा कि पास में ही अभी एक नया स्टोर है हमारे घर के जस्ट पास की, जैसे मैंने मूव किया है तो काफ़ी क्लोज में अभी स्टोर हैं सारे, तो घर के पास ही स्टोर है प्राइस चॉपर नाम का, जहाँ पे मुझे बेसिक जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारी ग्रोसरी के वो मिल जाएंगे। तो मैं वहीं जा ही रहा था तो सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेब फल, पाइनएप्पल या फल फूल जो हम खाते हैं उस सबका कॉस्ट कैसा है, कैसा बेसिक ग्रोसरी का शॉपिंग एक्सपीरियंस रहता है। सब्जी मंडी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो डिफरेंट है क्योंकि वो सिर्फ सैटरडे लगती है और वहाँ पे काफ़ी चीप होता है, किसान वगैरह सामान लेके आते हैं, तो ये बेसिक स्टोर है, ये सब्जी मंडी जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मॉल हमारे यहाँ पे होते हैं रिटेल स्टोर्स वगैरह बड़े उस टाइप का है। तो चलते हैं देखते हैं प्राइस चॉपर कैसा है। यहाँ से एंट्रेंस और कार्ड्स वगैरह रखी हैं बेसिक जैसा हमारे यहाँ पे रखी रहती हैं, तो वो है और एंट्री करते हैं। हेलोवीन इनका एक फेस्टिवल है जो आने वाला है नवंबर में, और इसीलिए आई थिंक उसके लिए पूरी इन्होंने प्रिपरेशन वगैरह करी है, अक्टूबर में या नवंबर में जब भी आएगा। पर हाँ, दिवाली के टाइप का हमारे यहाँ जो दिवाली होता है वैसा फेस्टिवल, इसलिए हेलोवीन के लिए जो चीज़ें हैं पम्पकिन वगैरह जो इनका पॉपुलर है वो सब रखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं एंट्री पे फूल रखे हुए हैं। फूल US में बहुत महंगे होते हैं किसी भी स्टोर में, ऐसा मैंने जनरली ऑब्जर्व किया, और जैसा हमारे यहाँ मिलते हैं कि गेंदे के फूल वगैरह की ठेला लगता है और वहाँ से मिलते हैं, वैसा नहीं होता है, इस तरह से फूल मिलते हैं। और प्राइसिंग अगर आप देखें तो ये देखिए कि 18 के 3 हैं छोटे बुके, छोटे छोटे, तो $6 का एक बुके है ज़रा सा। और इधर देखें थोड़ा भी बड़ा अगर आप बुके लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है पर फिर भी $10 का है, तो यानी कि 750 रुपये। और सनफ्लावर वगैरह हैं तो $10-$10 के बुके हैं। और थोड़ा भी अगर आप जैसे रोज़ लेते हैं तो गुलाब अगर लेना है तो इतना गुलाब का जो प्राइस है वो $1500, $20 का है इतने गुलाब। तो फूल मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत महंगे होते हैं और मोस्टली एंट्री पे रखे होते हैं। तो फूल हमने देखा, पीछे हैं फल, तो फल की साइड चलते हैं। एक चीज़ बहुत यहाँ पे डिफरेंट है हमारे यहाँ से कि हर फल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो एक एक फल की वेराइटी बहुत ज़्यादा है, पर बहुत सारे तरीके की सब्ज़ियाँ यहाँ पर नहीं मिलती, तो वो देखते हैं कि कैसा प्राइसिंग है और किस तरह से आपको वेराइटी मिलती है खाने में। अंगूर, लाल अंगूर है, पीछे हरे अंगूर, काले अंगूर, सब तरह के मिलेंगे। और प्राइसिंग वगैरह देखें तो टमाटर रखा है एंट्री पे, तो टमाटर का प्राइस है $2 का एक टमाटर है, यानी कि 150 रुपये का एक टमाटर है, साइज़ काफ़ी अच्छा है, तो 150 का एक। एवोकाडो हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं, तो $5 के दो हैं, यानी कि लगभग 350 के दो। मकई, कॉर्न हमारे यहाँ जहाँ से मैं हूँ गरोठ में, वहाँ पे मक्का के सीज़न में भुट्टा बहुत सस्ता होता है क्योंकि खेती वाला प्रदेश है, MP से हूँ, पर भुट्टे वगैरह वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पे कॉर्न का प्राइस 4 कॉर्न है और चार कॉर्न का प्राइस है $4, यानी कि 70 रुपये का एक भुट्टो। अभी टमाटर यहाँ पे रखा है फल की साइड पर, ये मेजर एक्चुअली फल का सेक्शन है, सब्ज़ी है पर हम लोग सब्जी जैसे खाते हैं, पर यहाँ पे रखा हुआ है। और इधर स्ट्रॉबेरीज हैं जो हमारे यहाँ रोड साइड पर मिलती हैं, तो $6 की लगभग आई थिंक एक LB देखिए आधा किलो है, तो 400 रुपये की आधा किलो स्ट्रॉबेरी है। आगे ब्लैकबेरी वगैरह है, ब्लूबेरी, जितनी भी बेरीज हैं उनका सेक्शन है, और इसमें अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये है कि वैरायटी जैसा मैंने बोला आपको मिलती है। प्राइसिंग इनका ऑलमोस्ट सबका $4-$6 के लगभग है। कीवी रखा हुआ है, कीवी इंडिया में भी हमको मिलता है, और कीवी का प्राइस यहाँ पे है $6 का आधा किलो, यानी कि अगेन 450 के लगभग का आधा किलो, तो 900 रुपये किलो का कीवी है। एक जो फ्रूट है जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता है इंडिया से, वो है एप्पल, क्योंकि एप्पल में एक तो बहुत तरीके का एप्पल है और एप्पल ही एक फ्रूट है जो इंडिया से सस्ता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे इंडिया में 150 रुपये का किलो एप्पल मिल जाता है, 150-200 रुपये, और अच्छा एप्पल खाते हैं तो 200-250 तक चले जाता है। सिमिलर प्राइस में यहाँ पे एप्पल मिलता है क्योंकि यहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा होता है। तो एप्पल अगर आप देखें तो देखिए कितनी वेराइटी का एप्पल है, इधर एप्पल है, यहाँ एप्पल, उस साइड भी पूरा एप्पल से भरा हुआ है अगर सामने की साइड देखेंगे तो। एप्पल US में बहुत पॉपुलर फ्रूट है। प्राइसिंग देखें तो $2 का है एप्पल आधा किलो, तो यानी कि 150 का आधा किलो। आई नो कि थोड़ा सा ज़्यादा है इंडिया से, पर बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। तो एप्पल वो फ्रूट है जिसमें प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, और क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से ज़्यादा अच्छी यहाँ पे एप्पल की है। तो ये देखिए यहाँ पे भी पूरी रो है एप्पल की। जैसा मैंने बोला कि वेराइटी आपको ज़्यादा मिलती है, तो हर तरीके का एप्पल मिलेगा आपको, लगभग 10-12 तरीके का एप्पल स्टोर में रखा होता है, किसी भी स्टोर में, वॉलमार्ट हो या कोई भी स्टोर। आगे मैंडरीन रखा हुआ है जो ऑरेंज जैसा है एक फ्रूट,
प्रीटी मच ऑरेंज ही है, पर जो मैंने छोटा ऑरेंज आता है जिसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा मीठा और खट्टा होता है, उस तरह का पंची जो स्वाद है वो है यहाँ पे 3 LB यानी कि लगभग 1.5 किलो है, 7 रुपये यानी कि 500 रुपये का 1.5 किलो संतरा है छोटा वाला। बड़े संतरे तो थोड़े और महंगे हैं तो वो तो ठीक ही है। एक और एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि US में सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं जो प्रोसेस्ड है, स्पेशली फ्रूट है या सब्जी है जो कटी हुई है, तो उसका कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई होता है। जैसे तरबूज यहाँ पे मिल जाएगा आपको $7 का पूरा 5 किलो 4 किलो का बड़ा तरबूज मिल जाएगा, 500 रुपये का 5 किलो या इस तरह का। पर अगर आप कटा हुआ तरबूज लेंगे जैसे कि ये पाइनएप्पल हुआ या कटा हुआ तरबूज है, तो कटने के कारण इसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। और कटे हुए तरबूज की कॉस्ट आप देखिए तो ये है $3 का आधा किलो, यानी कि $1 का 1 किलो की जगह पे $3 का आधा किलो है सिर्फ कटने के बाद, क्योंकि सर्विस कॉस्ट ऊपर है। तो इसका कॉस्ट लगभग ये देखिए $9 का है, तो 600 रुपये का 1 किलो के अराउंड इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको कटने के बाद। तो इसलिए और सिमिलरली पाइनएप्पल का कॉस्ट देखिए, इतना सा पाइनएप्पल है, एक पाइनएप्पल आपको मिल जाएगा पूरा $3 में या $2 में, पर ये कटने के बाद ज़रा सा पाइनएप्पल $7 का है जिसकी वेट है आधा किलो, तो यानी कि 500 रुपये का आधा किलो कटा हुआ पाइनएप्पल है। तो ये सर्विस कॉस्ट के कारण ये फल जो पूरी सेक्शन है ये बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें सारे जो फ्रूट्स हैं वो कट के आपको पूरे सर्व करेंगे। एक ये फ्रूट है जो मैंने मेरे रिलेटिव को एक बार बताया तो उन्होंने बोला कि मत खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो फ्रूट है, ये मैंने आपको बताया मैं डूब एरिया से हूँ, गांधी सागर जो है वो मेरे घर के पास ही है, तो हमारे यहाँ ये बहुत सस्ता होता है। यहाँ पे इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, $4 का एक है यानी कि 300 रुपये का एक है, और हमारे इंडिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एकदम रोड साइड पर बड़ी ईजिली मिल जाता है, ये स्पेशली जहाँ से मैं हूँ वहाँ तो 10 रुपये किलो मिलता है। संतरा आगे संतरा मैंने आपको कहा था थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो 6 संतरे हैं $6 का, $1 का एक संतरा है यानी कि 75-75 रुपये का एक संतरा। और एप्पल फिर से आ गए हैं तो बहुत सारे एप्पल हैं, एप्पल की वैरायटीज़, और जैसा मैंने कहा था कुछ एप्पल इंडिया से सस्ते हैं, तो वो ये देखें इस पर ऑफ है $3.50 का 3 LB है यानी कि लगभग 1.5 किलो एप्पल है 2-250 रुपये में, तो काफ़ी सस्ता है। इसका बड़ा पैक वॉलमार्ट में मिल जाता है सिमिलरली लगभग 300 रुपये का 3 किलो लगभग, तो उतना पैक सस्ता मिल जाएगा, तो इंडिया से भी सस्ता एप्पल है। नींबू वगैरह जो हम खाते हैं, हमारे यहाँ नींबू मिर्ची सब्ज़ी वाले फ्री में डाल देते हैं हमारे यहाँ सब्ज़ी वाले भैया, उसकी कॉस्ट देख लीजिए तो $4 के इतने नींबू हैं 8, यानी कि 300 रुपये के 8 नींबू 8 या 9, आई डोंट नो कितने हैं। इधर रखें अनार, अनार एक बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे फ्रूट मुझे लगता है कि है, ये $3 का एक है, टैक्स वैक्स ला के 3.5 तक जाएगा, तो यानी कि लगभग 250 रुपये का एक अनार होता है। और फूजी एप्पल हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन है, फूजी एप्पल हम लोग खाते हैं, तो यहाँ पे है $2 का आधा LB, $2 का 1 LB यानी कि 150 का आधा किलो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आई थिंक, बट जैसे अनार वगैरह में 3-4 गुना प्राइस है, इसमें लगभग 2 गुना ही। एक ये चीज़ ये लोग बहुत खाते हैं अमेरिकन्स, देखिए तो हर स्टोर में आपको मिलेगा, एप्पल को चॉकलेट में या कैरेमल में डिप करके ये लोग बेचते हैं और खाते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट मुझे इससे कोई खासी उम्मीद भी नहीं है। ये बहुत पॉपुलर है तो इसमें अलग अलग फ्लेवर डालते हैं, और जो हमारे कुल्फी मिलती है उस टाइप का बनाते हैं कि कुछ पीनट लगा दिया, कभी कुछ नट्स लगा दिए, और इसके बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं चॉकलेट कैरामेल जितने भी, बट मुझे तो इससे कभी उम्मीद नहीं थी इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और ये सेमफल नहीं है, पीच है, हमारे यहाँ बहुत कॉमन नहीं है फल, एटलीस्ट जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर, तो ये 3 का पर LB यानी कि 200 रुपये का आधा किलो है। और एक नेक्टरीन भी होता है जो पीच और एप्पल से मिला के इन्होंने हाइब्रिड बनाया हुआ फ्रूट है, वो भी सामने रखा हुआ है नेक्टरीन नाम का फ्रूट, तो ये भी एप्पल नहीं है, ये पीच और एप्पल को मिला के बना हुआ फ्रूट है, तो इसका टेस्ट मैंने कर रखा है एप्पल जैसा आता है। सामने तरबूज है जो मैंने बताया आपको कि $6 के लगभग में आपको 4 किलो का तरबूज मिल जाता है। यहाँ पे तरबूज थोड़ा सा महंगा है, कॉस्को में तरबूज सबसे सस्ता होता है और सबसे अच्छा तरबूज मिलता है, तो यहाँ का तरबूज 5 का है, और तरबूज सीडलेस है, तो हमारे यहाँ जो सीड हम बार बार खाने में आते हैं और थूक थूक के दिमाग ख़राब हो जाता है पूरे घर में, वो सब काम नहीं है, सीडलेस तरबूज है। पीछे आपने देखा था अभी कि $9 का 1 किलो था कटा हुआ, यहाँ पर आपको ये लगभग 3-4 किलो का है और सिर्फ $5 का, तो बहुत सस्ता है अगर आप खुद काटें, बट अगर प्रोसेस लेंगे तो एक्सट्रीम महंगा। ये पम्पकिन है पर ये खाने के लिए नहीं है, ये जो हैलोवीन फेस्टिवल आने वाला है उसमें कार्व करते हैं या बाहर रखते हैं घर के, इसलिए है, तो खाने वाला पम्पकिन नहीं है, ये सिर्फ इसी सीज़न में मिलता है, बाकी सीज़न में नहीं मिलता। पर एक्चुअली अमेरिकन को पता भी नहीं कि पम्पकिन की सब्ज़ी बनती है, इनको सिर्फ पम्पकिन का पाई या पम्पकिन का एक पर्टिकुलर सीज़न में कुछ बनाना आता है, बाकी टाइम पे कुछ नहीं करते पम्पकिन का। प्याज वगैरह का कॉस्ट देखें तो लगभग टैक्स वगैरह लगा के $2 का आधा किलो, यानी कि 150 रुपये का आधा किलो प्याज, 300 रुपये किलो,
300 रुपये किलो में आपको प्याज मिल जाएगा। इसकी भी बहुत सारी वेराइटी आगे मिलेगी। इधर ब्रेड वगैरह सब है, ये अगर आपको अगर देखना है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, तो आपको वो भी एक्सप्लोर करवाऊंगा। पर आज की वीडियो में मेन हम फोकस सिर्फ फल फूल सब्जी पे करते हैं। तो $2 का पाइनएप्पल आपको मिल जाएगा, और अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि $7 का आधा किलो पाइनएप्पल कटा हुआ है, और ये $2 में लगभग 1 से 1.5 किलो का पाइनएप्पल है। तो 150 रुपये का 1.5 किलो मिल जाएगा, या फिर 500 रुपये का आधा किलो मिलेगा कटा हुआ। तो वो सर्विस में डिफरेंस है। फलों की एंडिंग कर लेते हैं, जिसमें लास्ट में रखा हुआ है बनाना और आम वगैरह आपको मिल जाएगा। बनाना यहाँ पे सस्ता है रिलेटिवली बाकी फलों से। तो अगर कंपैरिजन करते हैं इंडिया से, तो बनाना है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 60 सेंट का है, वॉलमार्ट में 50 सेंट का मिल जाएगा आपको। तो 35 रुपये का आधा किलो, यानी कि 70 रुपये का किलो बनाना है, जो आई नो कि ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि अनार या बाकी फल। नारियल मिल जाएगा, तो ये देखिए नारियल $6 का नारियल है, यानी कि लगभग 450 रुपये का नारियल। और आम सीजनल है, तो मैंगो के बारे में लोगों को नहीं पता, तो अमेरिकन मैंगो कंज्यूम नहीं करते हैं ज़्यादा, पर अमेरिकन को क्योंकि आइडिया भी नहीं जैसे हमारे कितनी वैरायटी का आम आता है और कितना मतलब पॉपुलर होता है आम। यहाँ पे आम इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए बहुत सीजन में बहुत कम ही, इसलिए आपने देखा कि बाकी फल बहुत है पर आम सिर्फ इतना ही रहता है। हर स्टोर में ऐसे है कि आम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है आपको। फूल देखा, फल देखा, तो अब देख लेते हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी में पहले ये आलू प्याज रखे हैं, तो आलू प्याज का कॉस्ट देख लेते। प्याज है $3 का 3 LB, यानी कि $1 का आधा किलो, लगभग 70 रुपये का आधा किलो प्याज आपने पहले उधर भी देखा, बड़ा वाला प्याज। और आलू अगर देखें तो अलग अलग टाइप का आलू है, तो ये आलू अगर देखें तो $4 का, चार यानी कि $1 का एक आलू, तो ये थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा है। मेजर बल्क में अगर लेंगे तो इससे सस्ता मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आधी कीमत में, बट हाँ 70 रुपये का ये एक आलू। प्याज में भी वेराइटी है, जैसा मैंने आपको बोला हर चीज़ में वेराइटी मिलती है। तो ये डिफरेंट टाइप का प्याज है, ये अलग प्याज है, ये अलग प्याज है, वाइट प्याज भी है, तो येलो वाइट क्रीम जो कलर है, रेड भी अनियन है, तो इतने तरह का आपको प्याज भी मिलेगा। और आलू में भी अभी आप पीछे देखेंगे तो बहुत वैरायटी होती है। टमाटर सामने की साइड रखें तो देखिए, अभी हमने वहाँ देखे, यहाँ भी पूरा टमाटर का सेक्शन है। सैलेड में टमाटर बहुत पॉपुलर है, इसलिए चेरी टमाटो खाते हैं। तो ये छोटे जो टमाटर्स हैं, छोटे टमाटो हैं, ये चेरी टमाटो, इनका भी कॉस्ट लगभग $3 का है, तो 200 रुपये का इतना सा पैक है टमाटर का। आलू जैसा मैंने आपको बोला कि वैरायटी में मिलेगा, तो यहाँ से छोटा आलू शुरू है, तो छोटे छोटे आलू $4 के पैकेट, यानी कि 300 रुपये का इतना आलू है आधा किलो, 300 का आधा किलो छोटा आलू है। और डिफरेंट टाइप का आलू, काले कलर का, रेड कलर का, यहाँ पे देखें तो पूरा ब्लैक आलू है। तो सैलेड में खाते हैं ये लोग, या बारबेक्यू ग्रिल करके खाते हैं आलू को, तो इसलिए रेड आलू भी है। तो आलू में भी इतनी वेराइटी है, और बड़े आलू अगर देखना चाहें तो इधर रखें, तो ये पूरे बड़े बड़े आलू जो मैंने बोला कि सस्ते मिलते हैं, $5 के 5 किलो, तो $1 का 1 किलो आलू, तो 70 रुपये किलो में है ये, अगर ज़्यादा बल्क में आप लेते हैं तो। उसमें भी वैरायटी, रेड, येलो, ब्लैक वाला, या सभी तरह के आलू आपको मिल जाएंगे। और शकरकंद भी मिलता है, $1.5 का आधा किलो है, यानी कि लगभग 100 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली है आधा किलो शकरकंद। पर इनके शकरकंद में वो बात नहीं जो हमारे यहाँ आते हैं अच्छे शकरकंद। और सब्ज़ियाँ जो देखें तो पत्ता गोभी है, ये एक सब्ज़ी जो है वो सबसे सस्ती है यहाँ पे। ये एक सब्ज़ी अगर हम देखें तो सबसे सस्ती मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिलती है, प्लस इंडिया जैसा इसका स्वाद होता है। बाकी सब्ज़ियों का स्वाद उतना नहीं होता इंडिया जैसा, पर ये एक सब्ज़ी जिसका स्वाद काफ़ी इंडियन होता है, और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम, 79 सेंट, यानी कि $1 भी नहीं है इसका प्राइस, और वेट ऑलमोस्ट 1.5 किलो है। तो 1.5 किलो का पत्ता गोभी का फूल 79 सेंट का, यानी कि 50 रुपये का ये है, तो ये सबसे सस्ता है यहाँ पे मेरे हिसाब से। प्लस ऑफकोर्स बिल्कुल स्वाद इसका बहुत अच्छा है। मिर्ची में वैरायटी देखें तो डिफरेंट टाइप की मिर्ची, हमारे यहाँ जैसी जो मिर्ची होती है वो यहाँ की US स्टोर्स में नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहुत तीखी होती है, और ये लोग मिर्ची को फ्राई वगैरह नहीं करते हैं, सीधे मोस्टली जस्ट मीट वगैरह में डाल के खाते हैं, जिससे इनकी जो तीखापन है वो बहुत नहीं। ये हार्बनेरो है, ये हार्बनेरो अपने घर पर लगा रखी है मैंने, जो आपने देखी थी वीडियो में, तो वो सेम हार्बनेरो है, उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा टाइम के साथ। लहसुन अगर देखें तो निकली हुई गार्लिक आपको मिल जाएगी $4 की, तो $8 की आधा किलो है, टैक्स लगा के $9, यानी कि लगभग 650 रुपये की आधा किलो निकली हुई अगर लेंगे। नहीं निकली भी लेंगे, जो आप खुद निकालेंगे ग्लोव अगर गार्लिक का आप लेते हैं तो वो सस्ता है, पर ये मैंने बोला प्रोसेस अगर लिया निकला वाला तो बहुत महंगा पड़ेगा। सब्ज़ी में बहुत वेराइटी इंडिया जैसी नहीं होती है, कुछ अलग ही थोड़ी सब्ज़ियाँ हैं, जैसे कि सैलरी वगैरह ये लोग खाते हैं सैलड में, तो आई डोंट नो, इनकी सब्ज़ी नहीं बन सकती बेसिकली,
पर ये लोग मोस्टली सैलेड प्रेफर करते हैं। जैसे हरा टमाटर है तो ग्रीन कलर का टमाटो आपको मिल जाएगा, और सबकी प्राइस यहाँ पे लगी हुई है। ब्रोकली है तो $3 की आधा किलो ब्रोकली है, ₹200 की आधा किलो है। तो ब्रोकली इंडिया में भी आई थिंक अभी काफ़ी पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे, पर यहाँ पे ब्रोकली बहुत पॉपुलर है। अदरक है तो $4 की आधा किलो अदरक है, यानी कि ₹300 की आधा किलो ये अदरक मिल जाएगी आपको। चुकंदर है जो हमारे यहाँ भी काफ़ी पॉपुलर है, ये $5 के दो हैं, $2.5 का एक, यानी कि ₹350 का इतना सा चुकंदर है दो। तो इसका मैं जूस वगैरह काफ़ी बनाता हूँ, जब भी मुझे फ्री होता हूँ या टाइम होता है तो मैं चुकंदर का जूस ज़रूर पीता हूँ। गाजर वगैरह मिल जाएगी, काफ़ी एक्सपेंसिव गाजर है, $3 की आधा किलो है, यानी कि ₹200 की आधा किलो गाजर है। भरता वगैरह बनाता हूँ कभी तो बैंगन है, बैंगन के भरते के लिए $3 का बैंगन है, ₹200 का इतना सा बैंगन है, ये हो गया। और ककड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा, $1 की एक ककड़ी, तो ₹70 की एक ककड़ी, और हमारे यहाँ ककड़ी बहुत सस्ती होती है, लगभग ₹10-15-20 किलो में आ जाती है ककड़ी, और यहाँ पे ₹70 की एक ककड़ी। गाजर की अलग अलग वेराइटी है, तो बेबी गाजर मैंने बोला सैलेड में ये लोग सब्ज़ियाँ खाते हैं इसलिए छोटी गाजर मिलती है। बेबी कैरेट्स बहुत पॉपुलर है, श्रेडेड कैरेट आपको मिल जाएगी सैलेड में खाने के लिए, या फिर अलग अलग टाइप की डिज़ाइन में कैरेट कटी हुई, तो ये चीज़ें हैं। $2 है, यानी कि ₹150 का पैकेट है सारे। और शिमला मिर्ची में भी आपको सब तरह की मिल जाएंगी, रेड येलो वगैरह, और $2 की एक, तो वही ₹150 की एक है। मैंने सब्ज़ी मंडी में आपको दिखाया था कि $1 की 5 मिल रही है, पर यहाँ आते आते उसका प्राइस $2 का एक हो गया, तो ₹150 की एक। आगे रखा है पालक, तो पालक रखा है $2 का इतना सा, आधा किलो भी नहीं है, तो ₹150 का इतना सा पालक है। और सब्जियों का सेक्शन बस ख़त्म होने वाला है, तो आपने देखा कि बहुत सारी वैरायटी में सब्ज़ी नहीं है। धनिया है $1 का, तो ₹70 का ये धनिया है, शायद आपने पिछले किसी एक वीडियो में भी देखा था, तो ये ₹70 का धनिया। और बाकी सैलेड का सामान है, तो मोस्टली सब्ज़ियाँ वो है जो सैलेड में खाई जा सकती है। इंडियन स्टोर में अगर हम जाते तो हमको मिलती है भिंडी, गिलकी, तरोई, बैंगन वगैरह, सब अलग अलग वेरायटी के, यहाँ सब्ज़ियाँ पॉपुलर नहीं है, इतने सेक्शन में सिर्फ ऐसी सब्ज़ियाँ जो मोस्टली सैलेड में खाई जा सकती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ सबसे बड़ा यहाँ का, जो मुझे सबसे शॉकिंग लगा था वो सब्ज़ी, ये सब्ज़ी आप देखिए, आप इसकी प्राइस आपको विश्वास नहीं होगा, इसका वेट लगभग है 200 ग्राम, और ये है मटर हमारा, 200 ग्राम मटर का प्राइस है $4, यानी कि ₹300 का 200 ग्राम मटर है। ये वो सब्ज़ी है जो मैंने अभी तक यूज़ में कभी नहीं खाई, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं ₹300 दूंगा 200 ग्राम मटर, यानी कि मटर जो ये ऑर्गेनिक मटर है जो हमारे ऐसे 10-20 रुपए किलो में मिलता है, उसका प्राइस यहाँ पे ₹1200 किलो, तो इसलिए मैं मटर कभी नहीं खाता हूँ। सभी सब्ज़ियाँ, सभी फ्रूट अगर हम फ्रोज़न लेते हैं तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप भुट्टा देखा आपने, जैसे कि ₹80 का एक भुट्टा है, ₹70 का, पर आपको 2-4 किलो का पैकेट मिल जाएगा निकले हुए दानों का, प्रोसेस फ्रोज़न, वो बहुत सस्ता है। मटर फ्रोज़न बहुत सस्ती है, आपको लगभग ₹300 में 2 किलो मटर मिल जाएंगी निकली हुई, प्रोसेस्ड हुई मटर के दाने, पर ये मटर बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है। एक फली भी आप देखिए, ये जो नॉर्मल फली जो कई बार हम खाते भी नहीं हैं, उसकी कॉस्ट है $4, यानी कि ₹300 की, ये भी आधा किलो से कम है, आधा किलो है लगभग। ये मशरूम वगैरह बहुत पॉपुलर है, तो वो सब मिल जाएंगे आपको। फूल देखिए, फल देखिए, सब्ज़ी देखी, कुछ ही चीज़ें जो हमारे यहाँ जैसी होती हैं, और बाकी सब्ज़ी में वैरायटी नहीं है। हर चीज़ में आपको मल्टीपल टाइप की चीज़ें मिलेंगी, पर बहुत सारी तरीके की नहीं मिलेंगी, तो इस तरह की कॉस्टिंग है, इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब कुछ चीज़ें जो मैं पिक करना है तो वो पिक करता हूँ, और फिर घर की ओर निकलता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।